क्या टॉपिक था आज का? फंक्शन खत्म हो गए थे उसके बाद चलेगा आज का टॉपिक। हाँ फंक्शन चल रहा था। फंक्शन खत्म हो गए थे ना, चलेगा आपका न्यू टॉपिक आज क्या है? 1 मिनट। सर लेमडा फंक्शन चल रहा था सर। अच्छा, लेमडा फंक्शन हो तो गया था, बता दिया लेमडा फंक्शन तो। हाँ सर, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो बताया था आपने, लेकिन उसके आगे शायद अच्छा, तक थोड़ा बहुत डेफ टॉपिक बाकी है। बस ये था एनोनिमस फंक्शन का, और उसके बाद तो ये आपका खत्म हो गया था एनोनिमस फंक्शन। पाइथन डेट चलेगा। ओके सर, ये पाइथन डेट बाकी है सर। हाँ, पाइथन डेट फंक्शन, डेट फंक्शन, पाइथन डेट अलग टॉपिक है, अलग मॉड्यूल है आपका ये। जैसे इसके बाद ये हो गया था ना फंक्शन, उसके बाद पाइथन डेट वाला है, ओके डेट टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइथन डेट एंड फंक्शन, पाइथन डेट एंड टाइम। देखो, पाइथन डेट और टाइम क्या होता है, जब हमें हमारे प्रोजेक्ट में करंट डेट और टाइम को एग्जीक्यूट करना रहता है कि किस टाइम हमारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे जो वेबसाइट है वो कब लॉगिन हुई है, कब कब जाके लॉग आउट हुआ है, उसमें हमें करंट डेट शो करवाना है, कहाँ पर हमें करंट डेट शो करवाना है, करंट टाइम शो करवाना है, तब हम डेट और टाइम का यूज कर सकते हैं वहां पर। तो इसका बेसिक सी फंडा क्या है, फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू वर्क विद डेट एंड टाइम एंड ड्यूरेशन, यानी कि आप टाइम और डेट और टाइम के साथ कैसे उसको रोल प्ले कर सकते हो टाइम एंड डेट का। तो फर्स्ट है आपका टाइम, फर्स्ट है आपका टाइम, और दूसरा है डेट फंक्शन। टाइम फंक्शन और डेट फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम फंक्शन क्या करता है आपका, टाइम फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न द टाइम इन सेकेंड्स सिंस द EPOCH। EPOCH एक फंक्शन है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां से सेकंड स्टार्ट हुए थे, मतलब जहां से टाइम स्टार्ट हुआ था, 1970 सेंचुरी की बात है, वहां वहां स्टार्ट हुआ था 1970 में, जहां से सेकंड स्टार्ट हुआ था वहां से EPOCH का यूज किया जाता है एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है ये, जो हमें सेकंड्स जब से लेकर अभी तक के सेकंड्स काउंट करके दे देगा। द स्पेसिफिक डेट ऑफ द EPOCH एंड द हैंडलिंग ऑफ लीप सेकेंड इस प्लेटफॉर्म डिपेंड है। ओके, उसके बाद है आपका सी टाइम। सी टाइम इज करंट टाइम। सी टाइम फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू गेट करंट डेट एंड टाइम व्हेन वी पास EPOCH टाइम इन सेकेंड टू द फंक्शन, इट रिटर्न्स करस्पॉन्डिंग डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। व्हेन वी डू नॉट पास EPOCH टाइम, इट रिटर्न करंट डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। यानी कि आप अगर सी टाइम देखना चाहते हो, तो टाइम को पहले आपको उस टाइम को एज अ वेरिएबल बनाकर EPOCH में आपको फंक्शन के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, फिर फंक्शन एक वेरिएबल में साइन होगा, वेरिएबल को साइन करके आप उसको कॉल करवा सकते हो जब आपको करंट टाइम देगा। एग्जाम्पल के टाइम पे हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, जैसे मैंने ये सबसे पहले मैंने क्या किया, एक देखो फ्रॉम एक टाइम एक क्लास है, देखो टाइम एक क्लास है, इम्पोर्ट किया सबसे पहले फ्रॉम, यानी एक क्लास है, फ्रॉम टाइम को इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट में फंक्शन चलाया मैंने टाइम एंड सी टाइम एंड लोकल टाइम, जिनमें तीन फंक्शंस होते हैं आपके, सी टाइम करंट टाइम को दर्शाएगा, लोकल टाइम को दर्शाएगा, और टाइम जो हमारा एक
टाइम क्लास पे और इम्पोर्ट कर रहे हैं हम टाइम फंक्शन, ठीक है। एक क्लास के अंदर टाइम आपका फंक्शन डिफाइन है, सी टाइम डिफाइन है, लोकल टाइम डिफाइन है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। उसके बाद ई पी ओ सी एच एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि ई पी ओ सी एच आप ये लिखो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, ई भी रख सकते हो उसका नाम, एक वेरिएबल है वो। बट जो करंट ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, वो जो टाइम में करंट ऑब्जेक्ट कॉल होगा, उसी को हम ई पी ओ सी एच के नाम से जाने जाता है वो। उसके बाद टाइम फंक्शन, टाइम हमारा क्या है, टाइम फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, और किसमें, इस वेरिएबल में असाइन करो, इस वेरिएबल को कॉल कर लिया। अब देखो करंट टाइम हमें कहाँ से कहाँ तक का देगा, तब से लेके अभी तक का वो करंट टाइम हमें करंट सेकंड में दे देगा। फॉर एग्जांपल जिसमें रन किया, उसको रन करने के बाद इसने ये सेकंड दे दिया, तब से लेके अभी तक के सारे सेकंड काउंट करके दे दिया उसने मुझे। देखो हर बार चेंज कर रहा हूँ, हर बार वैल्यू चेंज होती जा रही है उसकी, क्योंकि सेकंड क्या आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं, बढ़ते रहते हैं सेकंड, इसलिए पर सेकंड में चेंज होता रहता है, और ये आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सेकंड काउंट करके दे रहा है हमें। उसके बाद क्या आ रहा है उसमें, या देखो जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें क्या देगा वो, इपो ये सेकंड, ये क्या करता है, ई पी ओ सी एच सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे सेकंड को हमें रिटर्न कर देता है। उसके बाद अगर मैं, अब देखो अब मैंने सी टाइम लिया, बट मुझे करंट टाइम चाहिए, मुझे करंट टाइम को कॉल करवाना है, तो एक वेरिएबल लिया है सी टाइम को कॉल किया इस फंक्शन को, और ई पी ओ सी एच यानी कि जो करंट टाइम करंट सेकंड है अभी तक का, उस करंट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा के इसको एज अ पास कर दिया है, और ई पी ओ सी एच डेट एंड टाइम, डेट और टाइम इसमें करंट डेट और टाइम मुझे शो कर देगा इस वाली वैल्यू में। देखो ये आपका करंट टाइम था, वो जो अभी तक चल रहा था, और उसी को कन्वर्ट करके मैंने उसको करंट टाइम में चेंज कर दिया एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके। तो ये टाइम ट्यूजडे फेब 4 और ये आपका सेकंड है, और ये 2021 है, 12:17:56, फिर चेंज किया 16 हो गए 18 हो गए 18 हो गए। तो जब भी चेंज करोगे आप, सेकंड आपका चेंज होता रहेगा। तो हम किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं टाइम एंड डेट को, समझ में आया इसका ये कॉन्सेप्ट आपको, किसी को डाउट है इसमें, नवीन? नहीं सर, नहीं सर। राहुल आपको, तरुण? ओके ओके ठीक। तो हम किस तरह इसको करवा सकते हैं। इसके बाद है आपका थर्ड, लोकल टाइम। जो लोकल टाइम हमने इंपोर्ट किया था, लोकल टाइम के बारे में क्या, देखो लोकल टाइम का, तो लोकल टाइम एक फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट सेकंड इनटू डेट एंड टाइम, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट टाइम व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स आइदर यूजिंग एन इंडेक्स और यूजिंग अ नेम। यानी कि लोकल टाइम हम चेंज करवा सकते हैं, लोकल टाइम जो हमारा करंट टाइम चल रहा है लोकल, ये अब ये टाइम चल रहा है, जरूरी है कि सेम टाइम हमारा लोकल टाइम हो। जैसे हमारे सिंगापुर का मेन टाइम क्या होता है, जैसे सिंगापुर का, कनाडा का, यूएसए के, सबके टाइम्स अलग अलग होते हैं, यहाँ का टाइम्स क्या होता है, हम लोकल टाइम से चलते हैं चेन्नई वाले टाइम से, तो हम लोकल टाइम्स को वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने, सेम वही रूल्स अप्लाई है, अप्लाई किया यहाँ पर, वही फ्रॉम को मैंने, फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम टाइम से लिया। देखो ये फ्रॉम और इम्पोर्ट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर है या नहीं है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हम इसको है ना, देखो थोड़ा थोड़ा होगा कंप्लीट, हाँ, लेकिन हम मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, मॉड्यूल अभी बाकी, अपना मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स में कैसे हम फॉर्म और इम्पोर्ट को करते हैं वो डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी तो बस ध्यान रखना है कि फ्रॉम टाइम को, टाइम एक क्लास है, देखो टाइम एक क्लास होती है, क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स एंड फंक्शंस रहते हैं, हमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया, पूरी क्लास को ले लिया फ्रॉम के थ्रू, अभी क्लास के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं हम उसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको ना लिखूं टाइम, देखूं अगर मैंने इसको यहाँ पर टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन तीनों को हटा दिया, तीनों को हटा दिया, अब देखो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो टाइम लिखा है आपने, अब टाइम तो आपने क्लास को कॉल कर लिया है, बस इसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन है आपने उसको कॉल किया ही नहीं,
तो हम उसको कॉल करने के लिए देखो तो उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर इसमें मल्टीपल फंक्शन है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एस्टिक लगा सकते हैं। एस्टिक लगाने में सारे फंक्शन तो कॉल हो जाएंगे अपने आप, सारी एरर हट जाएगी। एस्टिक फंक्शन क्या करता है, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है सारे के सारे कॉल हो जाएंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे लाख हो, सारे के सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे। आपको जैसा फंक्शन यूज करना है आप कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है तो आप एग्जैक्टली नाम लिख सकते हो, वरना आप एग्जैक्टली ये मैंने तीनों के तीनों नाम डिफाइन कर दिए कि मुझे टाइम क्या टाइम चाहिए, सी टाइम चाहिए, लोकल टाइम चाहिए। इससे क्या अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप किसी को हैंड ओवर करोगे तो वो समझ सकता है कि हाँ भाई इसने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, इसने इसी तीन फंक्शन का यूज किया है, आगे इसका यूज नहीं किया है, हम इसे डिफाइन कर देते हैं। अगर आप एस्टिक लगा देते हो वहाँ पर, स्टार लगा देते हो, फंक्शन का नाम नहीं लिखते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आपने किस टाइप का फंक्शन किस पे कॉल किया है, या आपने किस टाइप का फंक्शन लिया है। वो सर्च करेगा कि ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, बट वो यही थीम में देख लेगा, यही पे फॉर्म देख लेगा, भाई टाइम क्लास का यूज किया है, इसने तीन फंक्शन का यूज किया है, तीन को मुझे सर्च करना है। अगर पांच छह लिखा हो तो पांच छह फंक्शन को मुझे सर्च करना है, बट एस्टिक लगा दिया तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस टाइम को सर्च करना है, किस फंक्शन को सर्च करना है। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया होगा, फिर हम मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें और डिटेल समझेंगे इसको। आया समझ में थोड़ा इम्पोर्ट और फ्रॉम का? यस सर। ओके, तो वही हमने यहाँ पर ईपी और सी एच एक वो वेरिएबल, देखो टाइम क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने एक वेरिएबल में साइन करा लिया, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ईपी और सी एच, यही ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसी को मैंने इसी वेरिएबल में साइन करवा लिया, ठीक है, प्रिंट करवाया इसको, तो उसने वो सेकेंड्स दे दिए, सारी चीज सेकेंड्स, वो टाइम को मैंने ईटी में करवा लिया, ईटी में तो सेम टाइम दे दिया उसने। अब देखो सी टी इक्वल टू करंट टाइम, करंट टाइम दे दिया मुझे उसने उठा के, ठीक। उसके बाद है STO, instruct, STO BJ, यानी कि instruct object देगा मुझे। देखो मैंने बताया था आपको कि this function is used to convert second into date and time. It returns an object instruct time. Instruct time. स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके, नहीं नहीं वो आपको वही दिखाना है मुझे स्क्रीन, तो यही वाली जो पाइथन वाली दिखाना मुझे स्क्रीन, तो पाइथन वाली दिख रही है ना आपको? हाँ सर। हाँ पाइथन वाली दिखानी है बस मुझे। ओके, स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है लोकल टाइम। स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में साइन कर लिया स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये क्या करेगा आपका, ये आपका इस टाइम में देगा। देखो अगर स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट टाइम लोकल टाइम क्या होता है, पहले सबसे पहले इसी टाइम को समझे, इसी टाइम क्या करेगा, इसी टाइम किस पे डिपेंडेबल है, वो EPOCH, EPOCH किस पे डिपेंड है, टाइम पर, यानी कि सब एक से एक कड़ी जुड़ी रहती है। पहले सबसे पहले मैंने टाइम को रिटर्न किया, टाइम क्या करेगा आपका एक सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स क्या करेगा वो फ्लोटिंग पॉइंट ले लेगा, और स्टार्टिंग से जब से आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, जब से टाइम बना था आपका, घड़ी वगैरह बनी थी, तब तक का समय और अभी तक का समय, उसी को काउंट करके वो एक किसमें फ्लोट वैल्यू में मुझे एक्सेस दे देगा। अब जैसे फ्लोट वैल्यू में दे दिया उसने, मैंने इसको एक कॉल करवा लिया। अब जैसे यहाँ पे देने के बाद उसने सॉरी सी टाइम को मैंने एक वेरिएबल में असाइन करवा दिया, प्रिंट किया उसने EPOCH डेट एंड टाइम, उसने ईटी एक वेरिएबल, जैसे मैंने इसको असाइन करवाया था ना, तो एक वेरिएबल में असाइन करा कि मैंने इसको कॉल करवा लिया। अब करंट टाइम करंट डेट को कॉल करवा लिया, उसके बाद क्या देगा मुझे, देखो उसके बाद मैंने लोकल टाइम और एसटी ऑब्जेक्ट, यानी इंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके देगा लोकल टाइम मुझे। इंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, देखो इंस्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट देगा वो रिटर्न में टाइम डॉट इंस्ट्रक्ट टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको लोकल टाइम आपका क्या रिटर्न करता है, फंक्शन रिटर्न करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट सेकेंड्स इनटू डेट एंड टाइम, इट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट टाइम। स्ट्रक्ट टाइम का मतलब होता है कि अलग अलग जैसे जैसे आप कॉल कराना चाहते हो वैसे वैसे कॉल हो जाएगा। स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसने टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम, ठीक है, टाइम डॉट यानी कि टाइम के अंदर एक फंक्शन है स्ट्रक्ट टाइम जो लोकल टाइम से डिपेंड है, जो आपका किससे लोकल टाइम से, देखो स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम टी एम ईयर यानी कि टाइम ईयर, ये टी एम से क्या दर्शाएगा, टी एम से टाइम ईयर, अगर आप टी एम ईयर लिखते हो तो आपका 2021 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग दर्शाना चाहते हो कि नहीं मुझे डेट चाहिए तो डेट ले लेगा, अगर आपको ईयर चाहिए तो ईयर ले लेगा,
अगर आपको डे चाहिए तो डे ले लेगा, और मंथ चाहिए तो मंथ ले लेगा, सेकंड चाहिए तो सेकंड ले लेगा। तो हर एक का अलग अलग डिफाइंड है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये इसका स्टक के टाइम ऐसे रिटर्न करता है, टीएम ईयर में 2021, टीएम टाइम, टाइम मंथ में आपका आ गया टू आ गया, टाइम एम डे, एम डे से हो गया आपका फोर आ गया, टाइम मंथ डे यानी कि फोर हो गया, टाइम हावर क्या होगा आपका 12 हावर हो गया, 12 अभी 12 हो रहे ना, देखो 12 हो रहे हैं, सेकंड्स मिनट अभी कितने 26 हो रहे हैं, यहाँ पर 23 बता रहे हैं, जैसे मैं वापस रन करता हूँ तो 26 मिनट देखो 26, और यहाँ कोने पे देखो 12 26 हो रहे हैं। तो टीएम हावर से 12 हावर, टीएम मिनट से आपका 26 बता दिया, टाइम सेकंड 31 सेकंड, और डे कौन सा आपका थर्ड, और टाइम पर डे 35, और टाइम डिस्टेंस 0। इन तीनों का तो कोई वो है रूल नहीं है, बट लेकिन रिटर्न करता है। बट हमें हमारा मेन चीज है ये वाली, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, टाइम हो गया, और ये हो गया, सारे सेकंड वगैरह यहाँ तक हो गए, सारी चीजें होंगी। तो हम इनको वन बाय वन कैसे एक्सेस करा सकते हैं, वो यूज होगा आपका लोकल टाइम के थ्रू, ठीक है। लोकल टाइम का रिटर्न करता है, समझ में आया इसको, ये वाली लाइन कैसे रिटर्न करता है, वो क्या क्या रिटर्न करता है, तरुण समझ में आया? हाँ सर। ओके यस सर। ओके सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकल टाइम फंक्शन हो गया। लोकल टाइम फंक्शन, अब देखो हम लोकल टाइम फंक्शन को कैसे किस तरह कॉल करवाएंगे, देखो वही सेम चीजें सारी की सारी, वही टाइम को रिटर्न करवा रहे हैं, और वो चीजें लोकल टाइम में कन्वर्ट करवा रहा है, एसटीओबीजे वो सबसे पहले रिटर्न करेगा, उसके बाद देखो एसटीओबीजे, जब वो एसटीओबीजे में लोकल टाइम सारा जाएगा तो हमने इसको वेरिएबल में साइन कराया, करवा लिया एसटीओबीजे। उसके बाद क्या होता है आपका कि प्रिंट ईयर, क्योंकि एसटीओबीजे यानी के स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा डॉट टाइम ईयर, यानी कि मैंने इस फंक्शन को कॉल करवा लिया जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट में रिटर्न करा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टाइम स्ट्रक्ट टाइम, ये टी एम ईयर 2021, तो मैंने टी एम ईयर को कॉल करवा लिया, 2021 करेगा, एच टी ऑब्जेक्ट टी एम मंथ, ये मंथ को रिटर्न करेगा ये वाला ऐसा। उसके बाद है टी एम मंथ डे कौन सा आपका फोर, यानी कि डे कौन सा है आपका फोर, यानी कि आज फोर फेब है। उसके बाद हावर को, फिर मिनट्स को, फिर सेकंड्स को, इस तरह प्रिंट करेगा। जैसे मैंने इसको रन करवाया वन बाय वन ऑब्जेक्ट को लेके, तो इसने क्या किया देखो, टुकड़ों में बांट दिया उसने मुझे, यहाँ पे सारा टाइम सेकंड आ गया आपका। उसके बाद ईयर आ गया 2021, मंथ आपका टू हो गया, टू फेब है आपका, डेट आपकी फोर हो गई, हावर्स आपका 12 हावर्स हो गया, 29 मिनट हो गए और 16 सेकंड्स हो गया। तो ये क्या करेगा, हमें सारे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देगा पाइथन डेट और टाइम। उसके बाद है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको इस तरह से रिटर्न करेंगे, ये तो हमने वन बाय वन वैल्यू को अलग करवाया, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइम आपका ईयर मंथ और डेट एक्चुअल जिसे हम देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आ जाए, जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो उस चीज का, जैसे आपने एस टी ओबीजे मंडे लिखा तो इस तरह से वो प्रिंट कर देगा आपका, मंथ लिखा और ईयर लिखा, ठीक है। आप एंड एंड लगा के इसको भी कॉल कर सकते हैं, एंड देखो एंड क्या करता है आपका, एंड किसी को पता है एंड क्या करता है, एंड कीवर्ड कंटिन्यूअस करेगा, क्या करेगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस तो करेगा, बट एक ही लाइन में आ जाएगा, पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, वो क्या प्रिंट के स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है। जैसे प्रिंट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन मूव करता है, तो नेक्स्ट लाइन मूव ना करने की बजाय वो हमें सेम लाइन में प्रिंट करके देते हैं। मैंने रन किया इसको, देखो सेम वही किया उसने, 4/2/2021 ये आपका सेट, ये आपका टाइम है 12:30-39, यानी कि 30 मिनट हो गए, 39 सेकंड हो गए, 12 हो गए। जैसे रन करूंगा
वो चेंज होता रहेगा, 55 हो गए जैसे चेंज किया तो यहाँ भी 59 या 59 सेम टाइम को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स में कहीं पर भी हम इसी को कॉल कर इसी चीज को कॉल करके हम किसी भी हमारे पाइथन प्रोजेक्ट्स में उस टाइम की डेट को, जैसे कोई क्लिक किया, किसी ने हिट किया हमारे प्रोग्राम में, हिट करने के बाद जैसे जो टाइम देखना चाहता है कि किस टाइम को, कितने सेकंड को और कौन सी डेट को उसने हिट किया है, तो हम पाइथन डेट और फंक्शन का यूज कर, डेट और टाइम का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एनी डाउट फॉर रिगार्डिंग दिस? तरुण तरुण राहुल कोई एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें आपको? नो सर। है ना नवीन? नहीं सर। राहुल आपको? नो सर। क्लियर है ना? ओके स्वीटी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, समझ में आया आपको कुछ? यस सर। ओके ठीक है, देखो ये है आपका पाइथन डेट मॉड्यूल था, ये आपका एक फंक्शन था, इसमें इतना ही पार्ट था कि हम डेट और टाइम को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो न्यू टॉपिक आता है वो आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में सुना है आपने? फाइल हैंडलिंग, चलो एक चीज और देखते हैं इससे पहले हम, चलो कोई नहीं फाइल हैंडलिंग देखते हैं ना, फाइल हैंडलिंग के बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स वगैरह। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के बारे में क्या समझते हो आप, कुछ आइडिया है फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको? सर स्क्रीन चेंज कर दो। ओके स्क्रीन गया, ओके अच्छा वही चल रहा था फंक्शन। फाइल हैंडलिंग के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर पढ़ाया C++ और C में। C++ और C में, हाँ तो कुछ आइडिया दो मुझे क्या क्या कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट है ना फाइल हैंडलिंग, किससे क्या यूजेबल है हमारे, क्या यूज है, हम आगे फ्यूचर में इसका कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर रीड और राइट करने के लिए काम आता है। रीड और राइट करने के लिए काम आता है, ठीक है और बताओ? सर वही अपनी फाइल बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। मतलब फाइल हैंडलिंग का यूज इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हम एक फाइल में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, देखो फाइल्स, फाइल्स क्या होती है आपकी? फाइल्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल टू अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के थ्रू हम जो डेटा लेते हैं वो हम फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। We can retrieve, use data stored in a file whenever we require. यानी कि फाइल का मतलब है एक फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि फाइल एक कलेक्शन है डेटा का, जो हम प्रोग्राम के थ्रू जो हम डेटा देना चाहते हैं हम फाइल में स्टोर करवा सकते हैं उसको। We can retrieve and use data stored in a file whenever we required. यानी कि हम उस जो डेटा हमने सेव किया है फाइल में तो हम उसको कहीं भी जहां हमें जरूरत है उसकी रिक्वायर है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पर एडवांटेज क्या है आपके फाइल्स के, फाइल बनाने के? पहला तो आपका स्टोर डेटा इज परमानेंट अनलेस सम वन रिमूव इट, यानी कि अगर हमने एक बार स्टोर कर दिया तो वो डिलीट नहीं होगा, जब हम चाहेंगे उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी वो परमानेंट सेव हो जाएगा अपनी फाइल में। स्टोर डेटा कैन बी शेयर, या हम उसको जो हमने डेटा को स्टोर किया उसको हम उसको शेयर कर सकते हैं किसी पे भी, जैसे हमने को व्हाट्सएप में कोई व्हाट्सएप हो गया आपका, टेलीग्राम हो गया, किसी पे हम फाइल बनाते हैं, हम फोल्डर को एक्सेस, फोल्डर का फोल्डर हम डाल देते हैं, जैसे मैं आपको नोट सेंड करता हूँ तो मेरी एक फाइल है, फाइल में मैंने फाइल आपको भेज दिया तो क्या है वो डेटा हो गया, वो परमानेंट आपकी फाइल में सेव हो चुका है, परमानेंट स्टोर हो चुका है, आप जब चाहो जब उसको डिलीट कर सकते हो या फिर आप किसी को शेयर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू अपडेट और रिमूव द डेटा, या इट इज पॉसिबल है कि हम डेटा को जो हमने दिया है, जैसे हमने आपको पीडीएफ फाइल में दिया है, आप उसको कन्वर्ट करके आप उसको वर्ड में बनाकर आप उसको रीड एंड राइट कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और उसमें कुछ भी अपना चीज लिख भी सकते हो, एड भी कर सकते हो, तो आपका
इट इज पॉसिबल टू अपडेट और रिमूव इन द डेटा, आप रिमूव भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो डेटा। समझ में आया फाइल का क्या मतलब है और क्या मीनिंग, क्या एडवांटेज है फाइल्स के? ओके अब टाइप्स क्या क्या है फाइल्स के आपके? टाइप्स क्या क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, यानी कि टू टाइप्स की आपकी फाइल्स होती है। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, इट इज स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। यानी कि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ये डेटा स्टोर करती है तो हमें टेक्स्ट के फाइल में स्टोर करती है। टेक्स्ट यानी कैरेक्टर्स के, जो हमारा डेटा होगा वो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में होगा। इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, क्या कि अब स्ट्रिंग कैसे बनती है, जो सिमिलर आपका वो कैरेक्टर रहता है, वन बाय वन कैरेक्टर से मिलकर वन या वन से ज्यादा आपका कैरेक्टर हो तो आपको स्ट्रिंग के रूप दे देगी वो। जैसे मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, जैसे अभी ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट तो है बट लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सारा का सारा, तो ये स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों के फॉर्मेट में स्टोर करता है आपका टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल क्या होती है, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ईच। इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ, सीएसवी, वीडियोस एंड ऑडियोस। ये क्या आपका मिक्स डेटा रहेगा इसमें, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन कौन सा रहता है आपका, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, पीडीएफ, सीएसवी, वीडियो एंड ऑडियो वीडियो हो गई। ये बाइनरी बाइनरी फॉर्मेट में होता है। अब बेस्ट एग्जांपल फाइल का हमें क्यों जरूरत पड़ी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अब एक बात याद रखिए कि अगर मैंने कोई डेटा लिया है, जैसे मैंने डेटा लिया, एक लिस्ट बनाई है, एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसमें 4i in range 4 लिया है मैंने, यानी कि 4 तक चलेगी वो, एंटर नेम और लिस्ट डॉट अपेंड नेम और 1 by 1 करके उसमें ऐड होता रहेगा डेटा, 1 by 1 करके ऐड होता रहेगा और लिस्ट को प्रिंट कर देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल चलाई, एंटर नेम किया उसने, पहले मैं इसको उठा देता हूँ ऊपर वाले स्क्रीन को, तो मैंने इसको रन किया इस वाले को, एंटर नेम सबसे पहले आपका लिस्ट चला, एंटर नेम पूछा मैंने किया, सेम फर्स्ट नेम सेम डाला, एंटर, फिर सेकंड नेम पूछा उसने समीर, फिर दूसरा पूछा उसने पूजा, और वो चौथा हमने करण डाल दिया। देखो ये 4 तक चला आपका, 0 से लेकर 3 तक चला आपका, तो 0 से 1 by 1 अब यहाँ तक चल गया, ये वाला लूप चल गया। उसके बाद करेगा लिस्ट डॉट अपेंड, ये लिस्ट डॉट अपेंड नेम कर देगा, नेम में हम जो वैल्यू डाली इसमें ऐड कर देगा वो, तो ऐड करने के बाद फिर चारों को क्या करेगा, लिस्ट मैंने आई में प्रिंट करा के मैंने एक्सेस करवा लिया चारों को। जैसे रन किया इसको, देखो चारों चारों के चारों नाम आ गए आपके इसमें। इस प्रोग्राम में कोई डाउट है आपको, इस प्रोग्राम में? नहीं था, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैंने इसको वापस रन किया, अब ये डेटा मेरा, अब मैंने इसको हटा दिया, इसको तो मैंने कर दिया अनकमेंट कर दिया इसको, वो लिस्ट को रहने दिया मैंने, है ना। अब क्या ये डाटा मेरे लिस्ट में परमानेंट स्टोर हो चुका है कि नहीं हुआ, स्टोर हुआ कि नहीं हुआ ये डेटा? सर हो गया, हो गया ना, ठीक है। मैंने दोबारा रन किया इसको, क्या बताया इसने प्रिंट आई में, क्या बताया, कुछ बताया इसने डेटा? सर वो कुछ भी नहीं, में थोड़ी है नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार लिखा, जब तक डेटा था, जब ने आपने रन किया, जब तक डेटा था, फिर आपने दोबारा रन किया तो डेटा मिला आपको, नहीं मिला। इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टोर, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, टेम्परेरी स्टोर होता है वो, मेमोरी में जाके परमानेंट स्टोर नहीं होता है।
तो इस डेटा को हमें टेम्प इस वो परमानेंट बनाने के लिए फाइल का यूज किया जाता है वहां पर, वो एग्जांपल था मेरा, ठीक है, कि हमें परमानेंट स्टोर करने के लिए डेटा को हमें फाइल का यूज करना पड़ेगा अगर आप परमानेंट चाहते हो तो, वरना जो आप प्रोग्राम बनाते हो टेम्परेरी बेस पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया था आपको पहले कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा डेट इज अवेलेबल टू अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के थ्रू आप जो डेटा इंस्टॉल जो डेटा में जो प्रोग्राम में जो डेटा डाल रहे हो अगर आप फाइल में सेव करना चाहते हो तो परमानेंट रहेगा, वरना टेम्परेरी रहेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा आप जब प्रोग्राम को रन करोगे। तो नो डेटा इन द लिस्ट, आया समझ में कुछ कि हम फाइल का यूज क्यों करेंगे? किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना, ठीक है। चलो अब हम क्या बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले ताकि हम अपने फाइल बना सकते हैं उसमें। मैंने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर, पाइथन फाइल्स, ठीक है, ये फोल्डर बनाया मैंने। अब मैं पाइचा में जाके इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया, डेस्कटॉप सर यूजर्स में होगा, ये यूजर्स में आएगा, डेस्कटॉप आ गया ना, यूजर्स में आएगा। पाइथन फाइल्स, ठीक, ओपन किया इसको न्यू विंडो पे। नहीं खुला यार, स्टैटिक फोल्डर का खुल गया। इस पे एक नई फाइल बनाई मैंने, देखो पाइथन फाइल हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन को एक फाइल बनाना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हम फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाया एफ फोल्डर, एफ ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी राइट मोड। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर समझाता हूँ कोड को क्या है एक्चुअली में वो क्या कर रहा है। देखो एक ओपन का मतलब होता है फाइल को ओपन करना। ओपन एक फंक्शन है जो सबसे पहले फाइल को ओपन करेगा क्या उसमें क्या नहीं है। ओपन के अंदर मैंने एक स्टूडेंट टीएक्सटी नाम के फाइल बनाई है, टीएक्सटी वन नाम के फाइल बनाई है,
txt यानी कि वो txt यानी कि txt read को read data यानी कि आप txt एक तो txt फाइल होती है एक binary फाइल होती है यानी मैं txt यहाँ पर उस फाइल को दे दिया है नाम अरे मोड लिखा है मोड बाय डिफॉल्ट आर से होता है बट हमें राइट करना पड़ेगा आर यानी कि रीडेबल होता है और डब्ल्यू मीन्स राइटेबल होता है हम राइटेबल का फॉर्म जिससे ओपन क्या करेगा इस फाइल को बनाएगा उस फाइल को ओपन करेगा और राइटेबल फॉर्मेट ओपन करेगा इसको अब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट को मैंने साइन करा लिया एफ एक वेरिएबल्स में अब मैंने एफ डॉट राइट किया हेलो स्लैश एन लगा नेक्स्ट लाइन के लिए एफ डॉट राइट लिखा क्रॉस साइबर सिक्योरिटी स्लैश एन लिखा फिर एफ डॉट राइट हाउ आर यू लिखा और एफ डॉट क्लोज आपको फाइल क्लोज करना पड़ेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन फाइल मैंडेटरी क्लोज करना ये तो सिंपल डेटा है छोटा डेटा लेकिन बड़ा डेटा में फाइल क्लोज नहीं करो डेटा टर्मिनेट हो जाएगा उसमें से तो मैं फाइल को क्लोज चाहे छोटा प्रोग्राम चाहे बड़ा प्रोग्राम फाइल क्लोज करना पड़ेगा और प्रिंटिंग प्रिंट किया राइट सक्सेस अगर सक्सेस हो जाए तो ठीक है वरना वो आउटपुट तो खैर देगा देगा ही लेकिन एक फाइल बन के तैयार हो जाना चाहिए हमारे जिसे मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को ठीक है अभी रन करने के लिए अब आप ऐसा करिए कि 160 रह गया आप वापस रिकनेक्ट कर लीजिए दोबारा गया है ना तो समझाता हूँ वापस टाइम कम बचा है।